जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी। इंडियन टीवी न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों एवं मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़ झांसी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज 21/8/2023 नाग पंचमी के विषय पर। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। आज के दिन आप यदि भगवान के स्वरूप ही माना जाता है, नाग की पूजा करते हैं, कहीं भी आपको नाग मने, चाहे वो बामी में हो या आपके द्वारे पर कोई सपेरे के रूप में कोई नाग को लेकर के आए, तो आप नाग को दूध पिलाएं, उपहार इत्यादि दें। आपकी कुंडली में काल सर्प योग जैसी स्थितियां यदि उसमें हैं, तो ऐसा दोष आपका समाप्त हो जाता है नाग पंचमी की पूजा करने मात्र पर। इसलिए नाग पंचमी भगवान शिव स्वरूप में मानी जाती है। शिव पार्थिव पूजन या महामृत्युंजय अनुष्ठान में एक छठवां आवाहन किया जाता है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो, जय केत पृथ्वी मनो, जय अंतरिक्षे, जय दिव्येभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ये नाग का मंत्र है। नागराजाय नमः, नागराजम् आवाहयामि स्थापयामि, इस मंत्र को बोला जाता है। इसलिए इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोग नाग पंचमी का विशेष रूप से महत्व को समझें एवं इसी चैनल के माध्यम से रोजाना आप दैनिक जन्म राशि फल भी सुबह देखते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी।